फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद पूजा दुबे। होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद येट अनदर डिलीशियस रेसिपी। तो आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस सा एक केक बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल केक है, जो एक स्पेशल टाइम ओकेजन जैसे कि दिसंबर और न्यू ईयर में बनाया जाता है। और इस केक का नाम है प्लम केक, जो कि बहुत ही जूसी और फ्रूटी डिलीशियस केक है। बनाऊंगी एगलेस और बहुत सारे नट्स और बेरीज के साथ और अल्कोहल फ्री रहे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम ये यमी डिलीशियस सा नटी फ्रूटी फ्लेवर वाला यमी सा प्लम केक कैसे बनाएंगे मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, प्लम केक फ्रूट एंड नट केक बनाने के लिए इसमें मैंने बेरीज ली हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बेरीज हैं, ब्लू बेरीज हैं, चेरीज हैं, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं, इसमें आमंड्स, कैशूज और रेजिन्स हैं, ये टूटी फूटी हैं। तो इनको सबको मैंने 3-4 आवर्स के लिए ऑरेंज जूस में सोक कर लिया था। तो आप भी इसको सोक कर सकते हैं 3-4 आवर्स, या मिनिमम आपको 1 आवर के लिए इसको सोक करना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी मैदा एंड 1/4 कप मैंने घी लिया है, 1/2 बाउल पाउडर शुगर है, 2 स्पून मैं इसमें ब्लूबेरी जैम यूज़ करूँगी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और यहाँ पे मैंने शुगर ली है 6 टेबल स्पून। इसको हम कैरेमलाइज करेंगे, जो कि प्लम केक में यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, 3 टेबल स्पून कर्ड लेंगे, और ये मिल्क मेड लेंगे हम 1/4 कप, और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लूँगी, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और ये नटमेग पाउडर है जो 1/2 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर, और 1 चुटकी नमक भी यूज़ करेंगे इसमें हम। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर, और हम इसमें मिल्क यूज़ करेंगे 1 कप अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हमें जो ये बेरीज हैं, इनको अच्छे से सोक किया हुआ जो हमने सोक की हैं बेरीज और नट्स, इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिन्हें हम इसको प्लम केक में यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। शुगर को कैरेमलाइज करने के लिए एक पैन में हम शुगर लेंगे, जो हमने 6 टेबल स्पून शुगर ली है, उसको हम मेल्ट करेंगे। तो हमें इसको पिघलने तक वेट करना है, ये गर्म होके अपने आप पिघलने लगेगी, और हमें सिम पे इसे मेल्ट करना है, ताकि जो शक्कर है हमारी वो अच्छे से कैरमलाइज हो जाए, और हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है मेल्ट होने तक। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो शुगर है वो कैरमलाइज्ड हो गई है, मेल्ट हो गई है। इसमें मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, और सिम पर इसको मैंने मेल्ट किया है शुगर को, विदाउट एडिंग एनी वाटर। ओके, पानी बिल्कुल ऐड नहीं हुआ था, और ये देखिए कितनी बढ़िया कैरमलाइज्ड हो गई है शुगर। इस पॉइंट पे हम इसमें 2-3 स्पून वाटर ऐड करेंगे, ओके, और फिर हम इसको बंद कर देंगे गैस को। इसमें हमें थोड़ा सा वाटर, वार्म वाटर ऐड करना है, ताकि केक रनिंग कंसिस्टेंसी रहे, और इसको अच्छे से हमें मिक्स दे देना है। और इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करेंगे, ताकि क्रिस्टलाइजेशंस नहीं हो, इसमें क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो, और हमें गैस बंद कर देनी है। तो इसका देखिए जो रनिंग कंसिस्टेंसी वाला जो है, हमें फ्लो लाना है, और इसको अब हम ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसको केक में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, और इसमें मैं मिक्स करूँगी पाउडर शुगर, जो हमने 1/2 बाउल पाउडर शुगर ली है, और इसमें मैं मिक्स करूँगी 3 स्पून कर्ड, और
इसको बीट करते हुए हमें 3 मिनट्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मिल्क पाउडर था 1/4 कप, और मिल्क मेड जो 1/4 कप है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे। इस ये केक बहुत रिच बनता है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो इसमें हम सारे रिच इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं प्योर घी यूज़ किया है, बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटर यूज़ करने से। तो हमारा ये मिक्सचर बीट होते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स मिल्क ऐड करेंगे, 1 कप ऑफ मिल्क, और इसमें जो हमने शुगर कैरमलाइज किया था वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आता है हमारे जो प्लम केक है उसमें। और हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस और फिर हम इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। इसमें अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 2 बाउल जो मैदा लिया था वो ऐड किया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। और फिर हम इसको अच्छे से सीव करेंगे, बहुत ही बढ़िया हमें इसको सीव करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ कोको पाउडर और इसको बढ़िया से सीव करेंगे। तो जब ड्राई इंग्रीडियंट सारे मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने नट्स एंड बेरीज जो मैंने ऑरेंज जूस में सोव करके रखे थे। तो इसमें बहुत सारे नट्स एंड बेरीज डलते हैं प्लम केक में। और इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट जैम। ओके, आप कोई भी फ्रूट जैम यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तो ये 2 स्पून मैंने फ्रूट जैम यूज़ किया है। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमें इसको जेंटली मिक्स करना है, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसको मिक्स करेंगे। और ये पैन मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ग्रीस करके हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए ओवन जो है 180 डिग्री पे प्रीहीट करने रख दिया है। अब इसके बाद ये जो मैंने मोल्ड लिया है इसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर और फ्लावर से। अब मैं इसमें जो हमारा केक का बैटर है वो ट्रांसफर करेंगे और फिर इसको बेक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बैटर अपने मोल्ड में निकाल लिया है और इसको मैंने कैशूज और वॉलनट से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। 180 प्लम केक, फ्रूट एंड नट केक, अब जा रहा है ओवन में 180 डिग्री पे हम इसको रखेंगे और हम इसको 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो हम इसका जो टेम्परेचर है वो हम 40 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। और हम इसको 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लम केक एकदम बढ़िया से रेडी है और देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है और कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो इसकी आइए हम प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है।